बिहार में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। पूरे देश भर में नीट का एग्जाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, अब तक 4 अभ्यर्थियों और उनके परिवार के सदस्य सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच शुक्रवार को बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सौंप दी गई है। ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अब तक इस मामले की जाँच पटना पुलिस की विशेष टीम कर रही थी। अब तक 4 अभ्यर्थी और उनके परिजन समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 प्रश्न पत्र लीक मामले में भी शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और ईओयू के अधिकारी उन्हें हिरासत में पूछताछ करेगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अब तक की जांच से पता चला है कि नीट स्नातक के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर 5 मई की परीक्षा से पहले ही लगभग 35 अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिए गए थे। विज्ञप्ति के मुताबिक मामले की जांच जारी है। जी हां, बिहार के ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को ये मामला सौंप दिया गया है और कुल मिलाकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आए दिन क्वेश्चन पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं, किसी न किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो ही जाता है। ऐसे में जिनके पास क्वेश्चन के आंसर की पहले चले जाते हैं और वो बच्चे जो पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पहले तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अब उसके बाद से नीट का भी, जो कि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर नीट की परीक्षा ली जाती है, उसका क्वेश्चन पेपर भी 5 मई को लीक कर दिया गया है। ये खबरें आई हैं कि एग्जाम से पहले ही 35 अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गए थे और आंसर भी पहुंच गए थे। ऐसे में नीट की परीक्षा कैंसिल होगी और जो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी लगातार बिहार की ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है और 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लगातार ईओयू उन लोगों से पूछताछ कर रही है और नीट की जो परीक्षा है वो शायद कैंसिल भी हो सके और फिर से परीक्षा लिया जाएगा। अब फिर से परीक्षा कब होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक हो गई है ये बातें सबको पता है और ईओयू लगातार इस पर खुलासे कर रही है, पूछताछ कर रही है। 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।